नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश ने कोरोना महामारी का दर्द झेला। किसी ने अपने माँ बाप को तो किसी ने अपने बच्चों को खो दिया। इस महामारी में कोरोना वॉरियर्स दिन रात एक कर अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के दौरान काफी मेहनत की और यूपी को कोरोना से निजात दिलाया। बेहतर सुविधा और बेहतर व्यवस्था के चलते यूपी नंबर वन बना। और अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर कोरोना मुक्त हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर अब कोरोना मुक्त हो गया है। जी हां, गोरखपुर वासियों के लिए ये राहत की खबर है कि गोरखपुर में कोरोना का एक भी केस नहीं है। और इस बात की जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन धरा जनपद गोरखपुर में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या शून्य हो गई है। ये उपलब्धि जिला प्रशासन की सक्रियता, प्रतिबद्धता, स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रम एवं माननीय जन प्रतिनिधियों और गोरखपुर वासियों के अनुशासित सहयोग को समर्पित है। सभी को बधाई। तो योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन धरा जनपद गोरखपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या शून्य हो गई है। साथ ही इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई भी दी है। वाकई कोरोना काल में ये गोरखपुर वासियों के लिए काफी राहत की खबर है। बात गोरखपुर की करें तो गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। गोरखपुर में कोरोना को लेकर योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। बेहतर व्यवस्था, बेहतर सुविधा के लिए योगी आदित्यनाथ ने जमकर मेहनत की। खुद गोरखपुर के अस्पतालों का जायजा लिया करते थे। अस्पतालों में व्यवस्था काफी बेहतर की गई थी। अस्पतालों में किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए वो बैठके करते रहते थे। कोविड प्रोटोकॉल को बेहतर और कड़ाई से पालन करवाने के लिए वो अधिकारियों से बातचीत करते रहते थे। और इसी का ये नतीजा है कि गोरखपुर शहर कोविड फ्री हो गया है। और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, यूपी के कई जिले कोविड फ्री हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का लगभग 40% हिस्सा कोविड 19 मुक्त हो गया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कुल 75 जिलों में से 31 में सक्रिय आंकड़ा शून्य पर आ गया है। पूरे राज्य में कुल सक्रिय आंकड़ा रविवार तक केवल 159 सक्रिय मामलों के निचले स्तर पर दर्ज किया गया था। राज्य के लगभग 21 जिले अब एक एक सक्रिय मामले के साथ बचे हैं। शून्य सक्रिय कोविड मामले वाले जिलों में अमेठी, अमरोहा, बागपत, बलिया, बलरामपुर, एटा, फरुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, वाराणसी, सीतापुर और उन्नाव शामिल है। तो ऐसे में यूपी वासियों के लिए काफी राहत भरी खबर सामने आई है। वाकई कोरोना काल के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और योगी की मेहनत का ही नतीजा है कि 75 जिलों में से 31 में सक्रिय आंकड़ा शून्य पर आ गया है। और अब योगी का गढ़ गोरखपुर कोविड फ्री हुआ और उम्मीद है जल्द पूरा उत्तर प्रदेश राज्य कोविड फ्री हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।